नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कल मंगलवार है और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है और आपको मालूम है कि अब सभी की निगाहें इस कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। देखिए, सवाल उठ रहा है कि आखिर कल की कैबिनेट की बैठक में क्या होगा। सवाल उठ रहा है कि क्या कल राजकर्मी के दर्जे पर मुहर लग जाएगी, क्या पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा या फिर नहीं। देखिए, आपको मालूम है कि काफी लंबे समय से नियोजित शिक्षक राजकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे हैं और कल मंगलवार है और कल कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। लेकिन आपको बता दें कि आसार जताए जा रहे हैं कि कल की कैबिनेट की बैठक में राजकर्मी के दर्जे पर मुहर लग जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि इस बात का सीधा सीधा संकेत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी दे दिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले के पाठक गोपालगंज पहुंचे थे और गोपालगंज पहुंचकर मंच से ही के पाठक ने खुला संकेत दे दिया था, साफ साफ कह दिया था कि हम आपको राजकर्मी का दर्जा जल्द ही देने जा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि आप लोग बस मन लगाकर अपना काम कीजिए, बाकी घोषणा तो हो ही गई है। क्या कुछ कहा था उस दिन गोपालगंज पहुंचकर के पाठक ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। लेकिन आप 9 बजे चले जाते हैं स्कूल, शाम तक रहते हैं 5-8 घंटे। हम तो खैर हम तो 10-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन आप लोग कम से 8 घंटे तो रहते ही, अच्छी बात है। और मिशन कक्ष के बारे में बताया था आपको, क्लास ले रहे हैं स्कूल उससे आपके मैं बता रहा हूँ, मिशन कक्ष ने हम लोग को जो फीडबैक मिलाया था, आप लोगों ने 3:30 बजे के बाद में पढ़ाना शुरू किया, उससे आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ी। गाँव में आप महसूस कर रहे होंगे कि बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं और उनके अभिभावक भी आपको बहुत सम्मान दे रहे हैं कि आप लोगों ने मिशन दर्श में पढ़ाना शुरू कर दिया। अलग से तो आप लोगों ने कमजोर बच्चों को चीजें दी, आप उसको पढ़ा रहे होंगे क्योंकि आपके बस को लेना है। तो मिशन दर्श के बारे में कैसा अनुभव रहा है, बच्चे पढ़ते हैं खाली आप कहते हैं करते हैं, हमको तो यही पता है। आज मैं अगले हफ्ते में आया था, मैं छपरा में होगा तो एक सेकेंडरी स्कूल में जो स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं और 250 बच्चे शाम को 5 बजे पढ़ रहे थे, 250 बच्चे स्पेशल क्लासेस हम लोग करा रहे हैं बोर्ड की जो कोचिंग होती है। हमने कहा कोचिंग स्कूल में जा रहे हैं, हम लोग पढ़ाएंगे आपको और हम पैसे भी देंगे, तो 250 बच्चे पढ़ रहे थे। ये सेकेंडरी की मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th और 12th का बोर्ड शुरू होने वाला है 1 फरवरी से। देखिए, आपको मालूम है कि अब तो के पाठक ने भी बड़ा संकेत दे दिया है। देखिए, आपको याद होगा कि 2 नवंबर यही वो तारीख है जब पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि हम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें मामूली परीक्षा देनी होगी। उसके बाद आपने देखा था कि इस नियमावली का पहला ड्राफ्ट भी तैयार हुआ था और आपने देखा था कि जैसे ही ये पहला ड्राफ्ट आया था वैसे ही पूछा गया था कि अगर आपके भी कोई सुझाव है तो हमें जरूर बताइएगा। देखिए, उस नियमावली में साफ साफ कह दिया गया था कि नियोजित शिक्षकों को 3 मौका दिया जाएगा, यानी कि आपके पास 3 मौके होंगे। और आपने देखा था कि जब सुझाव मांगा गया था तो 1 लाख से ज्यादा सुझाव विभाग को दिए गए थे। देखिए, 2 बिंदुओं पर लगातार जो है चर्चा हो रही थी। पहला सुझाव था कि हमें बिना शर्त आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए और दूसरी जो आपत्ति थी वो विशिष्ट शब्द पर आपत्ति थी। देखिए, कहा जा रहा था कि अब जो नियमावली आएगी उसमें ये बदलाव होगा, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या बदलाव होता है इस नियमावली में।
देखिए आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। समीक्षा के बाद, नियमावली के समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। जी हम आपको बड़ी बात बता रहे हैं। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग द्वारा 15 दिन पहले ही प्रस्तावित नियमावली मुख्य सचिव के पाठक के पास भेज दी गई थी। इससे संबंधित संचिका मुख्यमंत्री कार्यालय भी जा चुकी है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित नियमावली अब कैबिनेट में आने को पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो हमने आपको बता दिया कि 15 दिन पहले ही, देखिए सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकल के आ रही है वो जानकारी यही है कि 15 दिन पहले ही के पाठक ने इसे ओके कर दिया था और अब ये नियमावली सीएम कार्यालय भी पहुंच चुकी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कल की कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ होता है। बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या मुहर लग जाएगी इस बार, और बड़ा सवाल यही है कि क्या 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों का कल इंतजार खत्म होगा या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।